चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में ऑस्मोटिक प्रेशर का 9th न्यूमेरिकल यानी सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल और सीक्वेंस वाइज इस चैप्टर का 64th न्यूमेरिकल। ठीक है, तो 64th न्यूमेरिकल में गिवन में हम फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। 64 न्यूमेरिकल में कहा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 8.21 एटमोस्फियर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर आपको ब्लड का दिया है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू, ये गिवन मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोट करते हैं पाई से और वो दिया है 8.21 एटमोस्फियर। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट, एट 310 केल्विन यानी टेम्परेचर दिया आपको, ये है आपके ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, डिनोट करते हैं टी से और ये है 310 केल्विन। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज टू बी यूज फॉर इंजेक्शन सो दैट इट वुड गिव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दैट ऑफ द ब्लड। यानी जब कोई डॉक्टर सलाइन लगाता है तो वो सलाइन में जो ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, तो वो ग्लूकोज जब इंजेक्ट करते हैं जो ब्लड में मिक्स होने के लिए जाता है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आना चाहिए। तो ऐसा कितना वेट मुझे लेना पड़ेगा, है ना, वो बोल रहा है हाउ मच द क्वांटिटी रिक्वायर्ड ऑफ ग्लूकोज टू इंजेक्ट सो दैट इट वुड गिव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें यहाँ पे वेट कैलकुलेट करना है, सो वेट ऑफ सोल्यूट और यहाँ पे सोल्यूट कौन है, दैट इज ग्लूकोज, है ना, डिनोट करते हैं डब्ल्यू बी से और ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन मार्क। सो इट वुड गिव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दैट ऑफ द ब्लड, मोलर मास दिया है ग्लूकोज का, लिख लेते हैं, सो मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ग्लूकोज नहीं, उसके बाद में लिखना आपको दैट इज ग्लूकोज। हम डिनोट किससे करते हैं स्टूडेंट्स, एम बी से और ये होता है 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, और R का वैल्यू दिया है उसे भी लिख लेते हम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं R से, जिसका वैल्यू 0.082 लीटर एटमॉस्फियर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, अब आपको अगर वेट कैलकुलेट करना है, चलो ठीक है, फॉर्मूला क्या है, पाई इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। ठीक है, आपके पास में टेम्परेचर है, आर है, डब्ल्यू बी है, एम बी है, सॉरी डब्ल्यू बी कैलकुलेट करना है, एम बी है, पाए है, वॉल्यूम दिया है क्या स्टूडेंट्स आपको, नहीं, ये न्यूमेरिकल इसलिए थोड़ा सा ना टफ हो जाता है। ये न्यूमेरिकल टफ होने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि आपके पास में वॉल्यूम का डेटा कुछ भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैं जो स्टेप बता रहा हूँ पहले उसे कीजिए। यहाँ पे जो हम ग्लूकोज इंजेक्ट कर रहे हैं वो ह्यूमन ब्लड में इंजेक्ट कर रहे हैं और ह्यूमन ब्लड है लिक्विड के फॉर्म में और लिक्विड का हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम। तो ब्लड का वॉल्यूम हमें कितना लेना है ये आपको बायोलॉजी में पता होना चाहिए। ठीक है, तो बायोलॉजी के सर और मैम का आप पूछिए, वो बताएंगे आपको कि एवरेज जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें एवरेज ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है। तो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए एवरेज वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन ब्लड, ठीक है, या फिर ह्यूमन ब्लड में जो एवरेज वॉल्यूम होता है वो कैलकुलेट फाइंड आउट कीजिए, वो आपको बता देंगे। ठीक है, वो होता है और ये पता होना चाहिए आपको, डेटा में दिया नहीं अगर होता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन ब्लड, ठीक है, और ब्रैकेट में एवरेज लिखना ना भूले क्योंकि हर एक इसमें कम नहीं होता, बट एवरेज कैलकुलेट करते हैं और ये होता है 5 लीटर और हम डिनोट करेंगे डीएम क्यूब से। ठीक है, एवरेज ह्यूमन ब्लड होता है 5 डीएम क्यूब, यानी पर्टिकुलर अगर हम सभी ह्यूमन बींग्स का अगर कैलकुलेट करें तो 5 लीटर आता है। ठीक है, ये डेटा अगर आपको पता नहीं है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लीजिए, और एग्जाम में तो आपके पास में गूगल नहीं होता ना, तो आप वो नहीं कर सकते, तो ये ऐसे सिचुएशन में आपको पता होना चाहिए। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन इज गिवन एज, हाँ क्या फॉर्मूला, पाई इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम और ये है डीएम क्यूब में इंटू आर इंटू टी। ठीक है, अब
डब्ल्यू बी कैलकुलेट करना है तो पूरे टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए और रीअरेंज कीजिए, क्या आएगा, डब्ल्यू बी इक्वल्स टू पाई इंटू एम बी इंटू वॉल्यूम इन डी एम क्यू डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, ठीक है, ये डिवाइड में जाएगा। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है तो थोड़ा सा टफ है, लास्ट वाला न्यूमेरिकल सबसे टफ रहेगा, शायद ही आपको कैलकुलेट करते आए। वैल्यू पुट कीजिए, डब्ल्यू बी इक्वल्स टू पाई का वैल्यू कितना है 8.21 इंटू एम बी कितना है 180 ग्राम, ठीक है, वॉल्यूम है 5 लीटर डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू कितना है 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना स्टूडेंट्स, ये है आपके पास में टेम्परेचर कहाँ गया ये है, सो इट्स अ 310, ठीक है। मैं इधर में आधा कैलकुलेशन करता हूँ। अब क्या करेंगे ना, मैं पहले ये जैसे कि वैसे लिख लेते हैं, ठीक है, इसे लिखते हैं 8.21 इंटू 180 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 0.082 इंटू 310, ठीक है। नाउ फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, डब्ल्यू बी इक्वल्स टू पाई इंटू एम बी इंटू वी डिवाइडेड बाय आर इंटू टी, फाइन, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करते ना, 180 को 5 से मल्टीप्लाई करते, चलो करिए 8.21 इंटू 500 देन इट्स अ 90, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये पॉइंट और ये डिजिट शिफ्ट कर देता हूँ मैं, तो ये आएगा 0.82 इंटू 310, ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया 180 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, देन 8 5 40 कैरी 4 5 प्लस 4 9, ठीक है, तो 8.21 इंटू 180 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है 900, 0.082 को ये जीरो से ये पॉइंट को मैंने एडजस्ट कर लिया, ठीक है, ये करना पड़ता है, लॉग कैलकुलेशन आसानी हो इसलिए। अब हम क्या करते ना, ये दो जीरो और ये दो पॉइंट शिफ्ट कर देते पूरा, तो ये हो जाएगा 821 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है, और इसका ये जीरो तो हमने शिफ्ट ऑलरेडी कर लिया है, तो ये हो जाएगा 0.82 इंटू 31। बस लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, 821 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, चलो करते हैं, 9 1 9 9 2 18 कैरी 1 देन 9 8 71 देन 73 है ना, ये 73 आ जाएगा, ठीक है, 9 72 कैरी 1 था वो 73, तो 7 3 8 9 आता है, 0.82 को ना 31 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 31 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये आता है 62 कैरी 6, 31 मल्टीप्लाइड बाय 8 कीजिए 8 देन 24, इसे 6 में ऐड कीजिए 14 कैरी 1 ये 5 25, ये आता है 254, दो डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो ये दो डिजिट के बाद में आपको पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब तो लॉग कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको 7389 का लॉग लेना है जो कि आता 3.8685, उस लॉग में से 25.422 के लॉग को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो आता है 1.4051, सब्सट्रैक्ट करने के बाद में आंसर आता है 2.4634, और फाइनल एंटी लॉग अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज निकलता है वो आता है 290.66 यूनिट आएगा स्टूडेंट्स ग्राम। तो जब आप इतने अमाउंट का ग्लूकोज इंजेक्ट करेंगे तब जाके ग्लूकोज का और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा। ये है इस वीडियो का ऑस्मोटिक प्रेशर का सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।